अस्सलाम वालेकुम प्रिय मुलांनो, आज आपण इयत्ता 8वी विषय मराठी पाठ कविता क्रमांक 8 पाखरांचे मागणी या कवितेचे शब्द यानी उर्दू में जिसे कहेंगे अल्फाज मानी देखने समझने जा रहे हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप अपनी मराठी की बहस निकालेंगे और उसमें इसे लिख लेंगे। लिखने से पहले हम इसे समझते हैं। मैंने आपको यहाँ पर प्यारे बच्चों किताब में जो अल्फाज जो शब्द दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर पहला शब्द है शब्दार्थ का सदैव, उसको मराठी में क्या कहते हैं नेहमी, और उर्दू में क्या कहेंगे हमेशा। तो ऐसे तीनों जबानों में आपको समझाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। आप उसे पहले समझेंगे और गौर संवाद करेंगे, फिर बाद में अपनी बहसों में उसे लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर पहला शब्द है सदैव, सदैव यानी नेहमी, और नेहमी का मतलब होता है उर्दू में हमेशा। दूसरा शब्द है यहाँ पर आयुष्याची दोरी, यानी जिसे मराठी में कहेंगे आयुष्याची मर्यादा, और उर्दू में जिसे कहेंगे जिंदगी की रस्सी। और तीसरा है कर्कश आवाज, यानी जिसे मराठी में कहेंगे कानों में सहन न होने वाला आवाज, और उर्दू में कानों को सहन न होने वाली आवाज। और नंबर चार है लास्ट भूत दया, यानी प्राणी मात्रांवर प्रेम, यानी क्या क्या उर्दू में जिसे कहेंगे परिंदों से प्यार। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इतने ही शब्दार्थ दिए हुए किताब में, हमने उसे समझा। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपको इतने चारों भी जो है तो शब्दार्थ समझ में आ गए होंगे। चलिए आप अपनी डायरी में से लिख लीजिए।